आइए आइए, चलो बेटा चलो बेटा। क्या नाम है इसका? क्या नाम ही नहीं रखे? नाम नहीं रखे होने रहने, रानी है ना नाम, रानी। वैसे ये हमारे फ्रेंड है, हर मंडी में मिलते हैं और डॉक्टर बलजीत सिंह के साथ रहते हैं। और मुझे मेलों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सबसे पहले इनको फ़ोन करता हूँ और इनसे पूछता हूँ भाई मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और ये डेट्स फिर बता देते हैं। चलिए आइए, हम घोड़ी के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए ऑन टू द नेक्स्ट एंड। और इनकी वीडियो काफ़ी बार आ चुकी है। सबसे पहले गामा को लेके भाग रहे थे, राइट? और मुक्सर में हर बार मिलते हैं। पहले डॉक्टर विरक जी के साथ थे, अभी फिलहाल सेपरेटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली। अमनदीप नाम है इनका, आपका नाम? मेरा नाम गोशा बराड़। आपका नाम सर? ओके। जगराव आने का इरादा तो था नहीं आपका, फिर भी आ गए? गर्मी बहुत ज़्यादा, इसीलिए। मुझे कभी मेले की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो मैं इनको व्हाट्सएप करता हूँ, अमनदीप को। अमन को पूछता हूँ भाई मेला लग रहा है क्या नहीं, और एक कॉन्फर्मेशन थप्पा लगाते हैं तो उसके बाद टिकट बुक करता हूँ मैं, ठीक है? अमन, कैसा लगा मेला? मेला तो बहुत अच्छा है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता है कि मेले का टाइम जो है एक महीना बाद में कर देना चाहिए? अच्छा, बाद में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेला ठंड में भी लगता है, फरवरी में। हाँ हाँ लगता है, फिर भी आई थिंक ये मौसम बहुत ही ठीक नहीं लगता है मुझे। परेशानी बहुत आती है, गर्मी बहुत है, और ना कि घोड़ों को भी दिक्कत होती होगी इतनी गर्मी में, इंसानों को दिक्कत होती है। हमारे मोबाइल जो है वो 15 मिनट आप रिकॉर्ड करो तो गर्म हो जाता है ओवर ईटिंग करके, आप वीडियो लंबा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन इतनी गर्मी के बाद भी इतने बहुत है लोगों में, और हालांकि मेला खचाखच भरा हुआ है इतनी गर्मी, क्योंकि क्या मौके बहुत कम मिलते हैं लोगों को अब घोड़ों की नुमाइश करने। काफी टाइम बाद मेला लगाना, ये मेला लास्ट ईयर नहीं लगा था मेरे ख्याल से, अगस्त में कोविड की वजह से, या लगा होगा तो हल्का सा लगा होगा, पता नहीं, लगा ही नहीं था। तो अभी ये मेला लोग पूछते हैं कमेंट में कब तक के है? अभी नत्ती को लास्ट है इसका, कल खेड़े होगी यहाँ पर दौड़े होंगे घोड़े, हाँ, उसके बाद एक दो दिन बाद तक रहेगा, एक दिन बाद कर लेगा। तो 31 तक के जानवर रहेंगे, फिर जाना शुरू, अभी जाना के आज से ही शुरू हो जाएंगे, ये लोग आज ही घोड़ा लेके जा रहे हैं। हाँ मन, क्यों जा रहे हो आज लेके? गर्मी बहुत ज्यादा आई इसीलिए। तो जब इतनी गर्मी है तो दो घोड़िया क्यों लेके आया? मेले का रहा नहीं जाता, मेला देखने आना पड़ता है, इसलिए आगे कितना घोड़े। आप रहते कहाँ पर हो? पंजाब में फरीदकोट जिला। फरीदकोट, और कितना दूर पड़ जाता है यहाँ से? 100 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो नहीं बोल के, आई थिंक 2.5 घंटे का रास्ता है, है ना? घोड़े को 2.5 घंटे लाना गर्मी में तो बड़ी बात है। घोड़े नहीं लेके आए, घोड़ी सेल करने की है, इसलिए बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। वैसे जो आपकी क्वालिटी होती थी ना, हालांकि ये घोड़ी अच्छी है, लेकिन आपने एक अलग लेवल क्रिएट किया था, बताया वो घोड़ों, वहाँ पे सारे शो क्वालिटी के घोड़े रहते थे आपके, हाँ, घोड़े। जी, जी। तो वो अभी भी रखे हो फार्म पे? हाँ, लेके हाँ, नहीं आए? हाँ। तो कहाँ लेके आओगे, कब लेके आओगे, कौन सी मंडी पे लाओगे? वो माघी मंडी पे ही, सीधा जनवरी में। दशहरे में भी जाएंगे, दशहरे में घोड़े। अच्छा, दशहरे में क्या वो भी एकदम गर्मी होती है? नहीं, मौसम अच्छा है, इससे बेटर हो जाता है शाम को, डेढ़ मंथ के बाद। ठीक है, तो मैं आता हूँ दशहरे में, मैं कभी आया नहीं हूँ, मुझे लगा बहुत गर्मी होती होगी। गर्मी नहीं होती, मौसम बढ़िया होता है, यहाँ से कम ना। चलिए तो मजा आएगा। और कितने दिन, कौन से दिन रहेगा दशहरे के? कितने दिन पहले मंडी लगती है? नहीं, दशहरे के पहले शुरू होती है क्या, दशहरे के बाद? दशहरे के बीच ही होती है, बीच ही होती है, तो उसी के आसपास मैं आ जाऊंगा, पहले शुरू हो जाती है। लेकिन जो जनवरी का माघी मेला जो होता है, उसी तरह की भीड़ होती है, घोड़े उतने ही आते हैं? काफी घोड़े, ये मंडी का है ना, ऐसे मंडी होती है, ऐसा थोड़ी सी कम होती है, काफी बड़ी है फिर तो, फिर भी ये मंडी की जितनी होगी तो बहुत बड़ी, तो मुझे वीडियो बनाने बहुत मिल जाएगा। जानवर आएंगे ना वहाँ पे? अच्छे, तो काफी है, घोड़े भी आएंगे, हम भी सभी घोड़े लेके आएंगे अपने। अमन बताइए इसके बारे में, क्या नाम है इसका? इसका रानी है, यही नाम, रानी नाम है। कितने साल से रानी को पाल रहे हो? ये तो अभी हमारे पास 5 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया। आप ट्रेडर ही हो ना बेसिकली, लेते हो बेचते हो, लेते हो बेचते हो? और क्यों लेना चाहिए रानी को लोगों को यहाँ पे? ऐसी घोड़िया तो बहुत है, बहुत अच्छी है, नहीं मार्किंग वाली घोड़ी तो बहुत है, सारी घोड़ी बोलते हैं मार्किंग वार्किंग अच्छी है, बाल भवरी की क्लियर है, इसको क्यों खरीदना चाहिए?
वो तो ये सभी मतलब के खरीदना चाहते हैं गोड़ी तो मतलब कम रेट की है गोड़ी, हम कोई ज्यादा नहीं ये बात ये पते की बात बोली ना, कम रेट की कम रेट की गोड़ी क्या है आपके हिसाब से, कम रेट क्या है वो बताइए। कम रेट हम इसका 170 मांग रहे हैं, आपको लगता है कम रेट है घोड़ी के साथ से आप क्या कोविड में लगता नहीं है दाम गिर गए घोड़ों के? नहीं दाम तो बढ़ गए, दाम बढ़ गए कोविड में कोरोना में काफी तो ऐसे के लोग कहते हैं पैसे नहीं है तो दाम क्यों बढ़ा दिया? दाम बहुत बढ़ गए हैं घोड़े की तो बहुत ज्यादा मार्केट, तो आपकी खरीदारी महंगी है? खरीदारी महंगी है हाँ, बस यही वजह है। पर इन हमको कोई इसकी तो एक, एक, एक सत्तर मांग रहे हैं और ब्लड लाइन का पता नहीं है, अननोन है ये, अननोन है ठीक है। क्या हाइट की है इसकी? 58 है। गाबन है? नहीं खाली है फिलहाल जी, तगड़ी मुस्टंडी है फिर तो ना खा पी के लेंथ की घोड़ी है, इसकी कितनी 58 है, 58 हाइट होगी जी, कितना 170 इज द फाइनल प्राइस? हाँ नहीं कम हो जाएगा, कम भी हो जाएगा। नंबर अमन आपका नंबर क्या? 9792133221। आपका इन्हीं का नंबर दे दो। अच्छा पंजाब के बाहर भेजो घोड़ी? हाँ, गोड़ी गोड़िया ट्रांसपोर्ट कियो काफी 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 कितने घंटे तक के ठीक हो जाता है, यानी प्रॉब्लम नहीं होती है इनको? फॉर इंस्टेंस बॉम्बे कोई मंगाएगा तो हाँ तो, भेज देंगे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। और भेजते वक्त अगर कोई दिक्कत आ गई घोड़ी को और जब घोड़ी उतरी बोले भाई टांग में प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? वो ट्रैवल वाला गाड़ी वाला है, वो करेक्ट आदमी है, वो ट्रस्टेड आदमी है। हाँ, तो बीच बीच घोड़ी घोड़ियों का मतलब के लेकिन उतना दूर भेज देंगे तो आई थिंक घोड़ी से महंगा ट्रांसपोर्ट पड़ जाता होगा है ना? ये बात तो है, है ना? ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, 16 रुपये किलोमीटर लेते हैं आप देख लो। और एक ट्रेलर में कितनी घोड़ियाँ चली जाती है? दो तीन? हमारे ट्रेलर में 2 घोड़ी चलती है, ये हमारा ये वाला आपका है, ऐसे ट्रेलर में तो नहीं जाती होगी घोड़ियाँ? इतनी दूर नहीं, इतनी दूर तो बड़ा चाहिए ना, बड़ा चाहिए क्योंकि कम से कम मतलब कि जो बड़ा नहीं ट्रक से थोड़ा छोटा आता उसमें घोड़ी जाती है आराम से जाए। ओके, कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं एमपी तक, 3 दिन लग जाएंगे। हम भेज गए हैं घोड़ियों का रुका रुका के जाते हैं। हाँ, रुक के ठीक है, गर्मी। चलिए इसके बारे में बताइए, इसको छुपा दिया बोले पहले इसको आगे लाओ आप, क्या वजह है? ये घोड़ी ज्यादा दिखने में अच्छी है, शाइनिंग है इसकी बॉडी में, शाइनिंग बहुत अच्छी है, शाइनिंग मजबूत घोड़ी। ये रंग क्या है और ये रंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस? ये महुआ कलर है, जो कुमैत कलर है, ये कुमैत कलर है। हाँ, इसकी डिटेल्स बताइए। इसकी 60 हाइट आई। ओके, हाँ 60 कन्फर्म 60 है, उम्र इसकी भी 8 साल होगी। ओके जी, और अभी ये खाली है? खाली है। हाँ, कितना मांग रहे हो इसका? इसका 1.5 लाख। ठीक है, इसके पैर कितने? इसके पैर 3 पैर सफेद है, माथे पर तिलक तोड़ा है। ओके, और ये जो है इसके ब्लेज है, और पैर कितने कन्फर्म है? थोड़ा सा पैर कन्फर्म है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सफेद है क्या नीचे? नहीं, एक बार ही इसका, एक ही पैसे तो नीचे आपने पाउडर लगाया क्या? नहीं, वैसे ही है। ठीक है, और टैटू भी खुदवा दिया धूप में, बताओ। हॉर्स लवर, बहुत बढ़िया जी, परमानेंट टैटू है? जी, ऑलवेज मिले थे पिछले, तभी हमने कवर किया था वो। ठीक है, चलिए वंस अगेन। अच्छा, गामा का क्या हुआ? गामा सेल कर दिया। गामा सेल कौन से शहर में? वो सोनीपत में गए। तो अभी अपने पास कौन सा सैलिन है? उसका बच्चा अभी छोटा है हमारे पास। एक गामा था, एक पवन था आपके पास? पवन, एक ऑस्कर भी है, उसके बाद ले लिया था। पवन है अभी? पवन भी है, ऑस्कर भी नुकरा है, पवन का बच्चा है वो। पवन का बच्चा है तो लाओगे वो माघी में? लाएंगे। चलिए वो देखे दशहरे में देखते हैं हम। ठीक है, लाना तो अभी जहाँ पर भी था, गर्मी ज्यादा है बहुत। नहीं, अच्छा किया नहीं लाया, घोड़ों को दिक्कत हो जाएगी उतना लंबा चल गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।